अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरी जो दिली तमन्ना थी, मेरी ख्वाहिश थी, मसलन की छोटी सी ख्वाहिश थी, तो आज अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश जो है वो पूरी कर दिया है। तो आज मैं आपको एक ऐसी अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ जो हर यूट्यूबर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो मसलन के मशहूर होना चाहता है, अपनी क्वालिटी को बेहतर करना चाहता है, सबसे मेन और पहला पॉइंट जो होता है ना उसके लिए, वो ये माइक होता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं ये माइक कौन सा है, ये हम सारा डिस्कस करेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, तो आपको रियल और मसलन के फेक का भी तरीकाकार बताएंगे, किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, सारा तरीकाकार इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये जो मेरा मेन पॉइंट था मसलन के, जिसको मैं अपनी ख्वाहिश मानता था कि यार मेरे पास भी ये बोया का माइक होना चाहिए, तो आज ये मुझे मिल गया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मेरी छोटी सी तमन्ना अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, जो मैंने अपने मालिक से मांगा है, रब से मांगा, वो मुझे मिला है। तो आज मैं हम अनबॉक्सिंग करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे बोया M1। यहाँ पर आप देख सकते हैं, शायद ये फोकस हो जाए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको तरीकाकार बताएंगे कि रियल कौन है और फेक किस तरह से आपको पता चलेगा यार हमने रियल लिया या फेक लिया। तो मैंने खुद चेक किया, मैंने खुद पहले एक लिया, वो रियल नहीं था, फेक था, मैंने फेक ले लिया, मुझे पता नहीं, मैं दुकानदार को वापस करने गया, वो वापस ही ना करे, इतनी बहस हुई ज़्यादा, उसने वापस ही ना किया, वो मेरे मतलब के पैसे ज़ाया हो गए। तो आज आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी, अगर आपने ये माइक लेना है तो आपको पता चल जाएगा मेन पॉइंट, किस तरह से आप फेक और रियल को पहचान सकते हैं। तो चलते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ, मैं वीडियो की तरफ कह रहा था क्योंकि आज हमने अनबॉक्सिंग करनी है, तो अनबॉक्सिंग की तरफ। तो आपने अनबॉक्सिंग देख ली, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप रियल और फेक का किस तरह से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको बार कोड नजर आ रहा है, मैं शायद आपको दिखा पाऊं, कैमरा फोकस कर रहा होगा, तो यहाँ पर आपको बार कोड नजर आ रहा है, ये बार कोड आप सोच रहे होंगे कि ये बार कोड स्कैन किया तो मसलन के पता चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो बार कोड होता ना, ये फेक पर भी लगा होता है, इस पर रियल पर हमें कैसे पता चलेगा, रियल पर यहाँ पर स्टिकर होता है, तो मैंने स्टिकर को उतार के इसको स्कैन किया, स्कैन जब आप करेंगे तो
आपने QR कोड स्कैनर को ऑन कर लेना है या आपके मोबाइल में ऑलरेडी है तो उसको स्कैन करें। स्कैन करने के बाद ये जो आपको नीचे कोड नजर आ रहा है 123 वाला, तो ये जो मसलन के वहां पर पुट हो जाएगा, पुट करने के बाद आपने क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी आपको बोया कंपनी खुद बता देगी। अगर आपका माइक मसलन के ठीक हुआ तो आपके ऊपर टिक का निशान आ जाएगा, अगर आपका फेक हुआ तो वो आपको बता देंगे भैया जो आपने प्रोडक्ट खरीदी है वो हमारी कंपनी की नहीं है, फेक है। तो ये बात है। तो यहाँ पर जो आपको कोड नजर आ रहा है, यहाँ पर कोड इसको देख लें, इसको आपने स्क्रैच करना है। यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रैच करेंगे ऊपर से ये शापर एक और होगा, रैपर होगा, वो उतर जाएगा। उतरने के बाद यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यार ये फेक है या रियल है। तो ये बता दूं इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप इसको सिर्फ एक बार आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एक बार आपने स्कैन कर लिया, आपको टिक का निशान बता दिया तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। जब दोबारा आपको करेंगे तो ये आपको मसलन के आंसर मसलन के सवालिया निशान जिसे कहते हैं वो आ जाएगा आपके पास, मसलन के आंसर जैसा निशान आ जाएगा। तो वो आपका जो है मसलन के आपको बता देगा कि आपने ऑलरेडी इसे चेक किया हुआ है। तो आप दो तीन बार करेंगे तो आपको ये नहीं बताएगा, सिर्फ एक बार आपने करना है। ये वेरीफाई होने के बाद आपको बता देगा बोया कंपनी, बता देगी कि ये प्रोडक्ट हमारी है, कंग्रेचुलेशन, सारा कुछ आपको बता देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये अनबॉक्सिंग अच्छी लगी, फर्स्ट अनबॉक्सिंग है। अपने ओपिनियन आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।